प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कैबिनेट फेरबदल में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के सहयोगी पूर्वी यूपी मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में स्थान दिया गया। अनुप्रिया पटेल से बात की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। मोदी मंत्रिमंडल की नई मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी, जिस तरह से यूपी में आपने मुहिम चला रखी थी, खास तौर पे अब आप मंत्री बनी, कितना कुछ सपोर्ट मिला? देखिए, आज जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद अपना दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि दोनों दलों की ताकत जब एक साथ मिलेगी तो हम एक और एक मिलकर 11 होंगे। और जैसे हमने 2014 में एक शानदार जीत दर्ज की है, उसी प्रकार 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत सरकार देने का काम करेगा। मैम, अपना दल की भूमिका वैसे भी बहुत मजबूत रही है, जिस तरह से आप फैजाबाद या जगह जगह आपने कई रैलियां की इससे पहले, 2017 जाहिर तौर पर तैयारी हो रही है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से यूपी सरकार लगातार ब्लेम करती है कि केंद्र सरकार उस तरह का बजट नहीं मिलता, इस वजह से यूपी की प्रोग्रेस रुकी हुई है, आप चूंकि अब आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए, एक नई दिशा की पहल होगी? देखिए, केंद्र सरकार तमाम योजनाएं देश के गरीबों को केंद्रित करके लाई है। मुद्रा योजना, स्किल इंडिया योजना, तमाम पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो देश के गरीब और कमजोर तबके को ध्यान में रखकर बनाई हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के रवैये के कारण जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ है वो हमारी 21 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी पा रहा है। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाह रहे हैं कि आप केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार दोनों जगह बनाएं, जिससे जो केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनमानस तक पहुंच सके। मंत्री बनने के बाद में क्या अब, खास करके हम अपना दल की बात करें तो अब पार्टी में आपसी सामंजस्य बैठ पाएगा एक नई दिशा के साथ पार्टी विधानसभा चुनाव? पूरी पार्टी में बहुत उत्साह है और आप देखिएगा कि इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आएंगे। तो ये थे अनुप्रिया पटेल, जो कि साफ तौर पर कह रही थी कि उनके मंत्री मंडल में आने से जाहिर तौर पर यूपी में जिस तरह जो उन्होंने मुहिम चला रखी थी 2017 विधानसभा में और मजबूती मिलेगी। कैमरामैन उमेश के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।